आज हम करेंगे चैप्टर सेकेंड, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड. लुक अराउंड, विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल विद देयर टीचर. नाउ टीचर इज आस्किंग व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड. लुक अराउंड लुक अराउंड. तो टीचर अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि अपने क्लासरूम के आसपास देखो क्या गोल है और क्या लंबा है. क्लास में आसपास क्या क्या गोल और लंबा है आप बताइए. तो कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, माय पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माय बॉल इज राउंड. लुक अराउंड माय लेग्स आर लॉन्ग एंड माय फेस इज राउंड. लुक अराउंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, टीचर्स स्पेक्टिकल्स आर राउंड एंड टेबल इज लॉन्ग. लुक अराउंड और भी आप पिक्चर में ऑब्जर्व करो और बताओ क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है. ड्रॉ द राउंड थिंक एंड डू ड्रॉ द राउंड ऑब्जेक्ट्स इन दिस एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन दिस. सो पहले हम राउंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे. दिस इज इडली, दिस इज बॉल. आई कैन ड्रॉ बटन. बटन इज राउंड. अगर आपने अपने आसपास देखा होगा सिक्का यानी कॉइन, वो भी राउंड शेप में होता है. ये मैंने 1 रुपी का कॉइन बना दिया है. और सोचिए, गोल गोल पिज्जा. मेरा पिज्जा इतना अच्छा नहीं लग रहा आई थिंक, पर आप इस पिज्जे को और डेकोरेट कर सकते हो बाय पुटिंग सम वेजिटेबल्स. ये मैंने वेजिटेबल्स ड्रॉ कर दी हैं. चलिए आइए, ड्रॉ द लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन दिस. अब लॉन्ग ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करनी है. यहाँ वाटर बॉटल है, पेंसिल बॉक्स है. लेट्स ड्रॉ अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट. क्या लगता है क्या ड्रॉ कर रही हूं मैं? यस, इट इज टेबल. और ये है स्केल. Blackboard. Match the object which are similar in shape. Puri and idli. If you can see ball and this ball. Or this box and this box. Birthday cap and this one. दोनों ऊपर से तीखे हैं और नीचे से इनका बेस जो है वो फ्लैट है. और दिस वन ड्रम एंड कैंडल. मैंने ड्रम एंड कैंडल को क्यों मैच करा है, इसका रीजन ये है कि इसका ऊपर का और नीचे का अगर आप सरफेस देखोगे वो बिल्कुल फ्लैट है और लंबाई जो है वो गोलाई की शेप में है. गोल शेप है लंबाई में दोनों की और ऊपर और नीचे का सरफेस दोनों का फ्लैट है. टेक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल. अब बॉल से क्या सिमिलर लग रहा है? वॉटरमेलन. टेक द शेप विच इज सिमिलर टू बर्थडे कैप. बर्थडे कैप से सिमिलर ये लग रहा है. यहां से तीखा और यहां से फ्लैट. टेक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास. दिस वॉटर बॉटल. Take the shape which is similar to matchbox. This is round, this is round, this is birthday cap like shape. So this is similar to matchbox. Let wise grandmother. Once
once there was a little lamb who was going to meet her grandmother. The wolf saw the lamb and wanted to catch her. As you can see, there is a lamb who wants to go her grandmother's home. "Please don't eat me now. Let me first go to my grandmother's place and grow big." "Okay, you may go." The lamb told everything about the wolf to her grandmother. The grandmother got an idea and put the lamb into a dholak and rolled it back to her house. अब ग्रैंडमा ने क्या किया, उसको ढोल में डाल दिया. आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? वॉल्फ लैम को पकड़ लेगी? चलिए आइए देखते हैं. The ढोलक rolled very fast and wolf started running behind it. As you can see in this picture, this ढोल is run really fast and wolf उसके पीछे पीछे भाग रही है. The wolf could not catch the lamb and she reached home safely. अब आप देख सकते हैं वॉल्फ पीछे पीछे आ रही थी पर लैम अपने घर सेफली चला गया. थैंक यू दादी. थैंक्स दादी. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है? ढोल क्यों रोल हुआ फास्ट फास्ट? क्योंकि ढोल की जो शेप थी वो गोलाई में थी. वेरी गुड. लंबाई में और गोलाई में थी. अगर आप कोई भी गोलाई वाली चीज को आप हल्का सा पुश करते हो तो वो तेज तेज फास्ट फास्ट रोल्ड होती है. आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अगर आप अपनी वाटर बॉटल को रोल करोगे तो वो तेजी से रोल होगी. लेटेस्ट स्लाइड. Children are playing carom as shown below. You can also play and see how the striker slides to reach the corner. My striker goti rolled instead of sliding. अब गोटी rolled होती है या slide होती है? अब आपको बताना है. Write R for rolling objects and S for sliding objects in the circle given in the pillow picture. अब फ्रेंड्स, रोल और स्लाइड में क्या डिफरेंस है पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं. कोई भी शेप जो राउंड होती है वो रोल होती है, और कोई भी शेप जिसका सरफेस फ्लैट होता है वो स्लाइड होती है. जो शेप गोलाई में होती है वो रोल होती है, जो शेप का सरफेस फ्लैट होता है वो स्लाइड होती है. चलिए आइए देखते हैं इसमें. अब ये गोलाई में है तो ये क्या होगा? रोल. बॉल गोलाई में है तो क्या होगी? रोल. अब इसका सरफेस फ्लैट है कि गोलाई में है? फ्लैट है तो ये क्या होगा? स्लाइड. ये वाटर बॉटल आपको दिख रही है, ये क्या होगी? रोल और स्लाइड. ये गोलाई में है तो रोल. ये बर्थडे कैप नीचे से फ्लैट है तो ये क्या होगा? स्लाइड. ये भी कुछ ऑब्जेक्ट है जो मुझे गोलाई में नहीं दिख रहा तो ये भी क्या होगा? स्लाइड. अगर बच्ची बैठेगी तो क्या होगी? ये रोल होगी या स्लाइड होगी? स्लाइड. वेरी गुड. Collect the different object from your surrounding and see if they roll or slide. अब आपको अपने आसपास ऐसी कोई objects collect करने हैं जो roll होते हैं और slide होते हैं. Do you see things which can roll or which can do both roll and slide? If yes, discuss in the class. अब आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो सिर्फ रोल होते होंगे या सिर्फ स्लाइड होते होंगे, पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रोल भी होते हैं और स्लाइड भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉटल शेप उसकी गोलाई में है पर वो नीचे से सरफेस उसका फ्लैट है,
तो वो स्लाइड भी हो सकती है, रोल भी हो सकती है। और पेंसिल, उसकी शेप गोलाई और फ्लैट में होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पेंसिल का ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है। अगर हम पेंसिल को शार्प ना करें तो उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा फ्लैट होता है, तो वो भी रोल और स्लाइड हो सकती है। और अपने आसपास और चीजें देखी जो रोल और स्लाइड हो सकती है। Find whether the following objects roll, slide or do both. Put the tick and cross. अब ये बॉल है, राउंड इन शेप, रोल। ये ऑब्जेक्ट फ्लैट एंड सरफेस, स्लाइड। फ्लैट एंड सरफेस, स्लाइड। ये गोल है तो रोल। अब वॉटर बॉटल, इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा फ्लैट है और बीच वाला हिस्सा गोलाई में है, तो ये रोल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है। अगेन ये वाटर बॉटल की तरह है, बीच वाला हिस्सा इसका जो है वो गोल है और ऊपर और नीचे का हिस्सा इसका फ्लैट है, तो ये स्लाइड और रोल दोनों हो सकती है। स्पून, ये गोलाई में नहीं है तो ये स्लाइड होगा। कोन, ये भी अगर इसका हम ये वाला हिस्सा देखें तो ये गोल है और नीचे का हिस्सा इसका फ्लैट है, तो ये रोल और स्लाइड दोनों हो सकती है।